हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसा नाश्ता बनाएंगे दोस्तों जिसमें आपको समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी इन सारे चीज़ों का स्वाद मिलेगा और ना ही इसमें आपको आटा गूंथनी है और ना ही अलग से कोई स्टफिंग तैयार करनी है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरा लगता है। तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे और इसमें हम 5 फोरन डालेंगे। 5 फोरन आप तैयार कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे दोस्तों, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। और इसमें हम डालेंगे एक छोटी सी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसमें 2 से 3 हरी मिर्च को हमने बारीक काट करके लिया है। आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 इंच अदरक को हमने कद्दूकस करके लिया है और इन सारे चीज़ों को भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। और इसमें हम डालेंगे दोस्तों 4 से 5 लहसुन को हमने कूट कर लिया है, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। और इन्हें भी भून लेते हैं अच्छे से, 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और इन सारे चीज़ों को लो फ्लेम पर भूनेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं और स्वाद बहुत ही बढ़िया आए। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि कलर इसका बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चलिए इसे भून लेते हैं अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, मसाले को भून लिए हैं हमने और इसमें हम डालेंगे 1 आलू को। बड़े साइज का आलू था तो दोस्तों हमने उबाल कर इसे मैश कर लिया हुआ है और इसे इसमें डाल देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी भून लेते हैं। तो इसे अच्छे से मसाले मिक्स कर लेंगे आलू में। हमने कोई स्टफिंग नहीं बना रहे हैं दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पता चलेगा। और इसमें अब हम डालेंगे 1/2 कप पानी और पानी को इसमें मिक्स कर लेंगे। चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा, तो हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है, उसे भी डाल देते हैं। तो दोस्तों, 1/2 कप हमने पानी इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आलू में भी मॉइस्चर होता है, तो इसीलिए 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। उसी में ये अच्छे से गूंथ जाएंगे और लो फ्लेम कर देना है हमें और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे डो फॉर्म में लाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ना फिलिंग तैयार करनी पड़ी, ना अलग से आटा गूंथने की कोई झंझट है, बहुत ही झटपट बन जाता है ये नाश्ता। यकीन मानिए दोस्तों, स्वाद में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए, आटा अच्छे से ये सेट हो गया है और ये गूंथ गया है। तो चलिए इसे अब हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, उतना ही ठंडा करना है जितना कि हम इसे छू सकें। और इसे मसलते हुए चिकना कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, और अब नाश्ते को बनाते हैं। इसके लिए एक इसमें से थोड़ा सा पोषण लेंगे नींबू का आकार का, अच्छे से चिकना गोल करेंगे। आप चाहे तो सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं, जैसा आपको मन करे वैसा बना सकते हैं, पर इस तरीके से बनाने में तेल कम लगता है, कम तेल में भी अच्छे फ्राई हो जाते हैं। तो देखिए, हमने सारे टिकिया बना लिए हुए हैं, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया हुआ है और इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता हो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बने। तो हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। एक बार में जितना पैन या कढ़ाई में आप डाल सकते हैं और डालते ही इसे छेड़छाड़ नहीं करना है दोस्तों। और जब ये एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाए, लगे कि फ्राई हो गए हैं, तब हम इसे 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद पलट लेंगे। तो देखिए दोस्तों, पलट लेते हैं इसे और इसे उलटते पुलटते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक ही इसे हम फ्राई करेंगे। तो देखिए, हमने पलट लिया हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कितना बढ़िया ये फूल गया है, कितना बढ़िया दिख रहा है ना नाश्ता, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों, ये फ्राई हो चुकी है, देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है ना, बहुत ही सुंदर कलर आया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल इसे हम निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये फ्राई हुआ है, तो चलिए निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको सर्व। तो देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, कलर भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी और खस्ता भी बने हैं।
इसे आप बिना चाय चटनी के खाएंगे ना तो भी बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेंगे। और अगर आप खाना चाहते हैं तो कोई केचप या चाय के साथ इंजॉय करिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इंजॉय करिए दोस्तों, धन्यवाद।